नमस्कार, पंजाब टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकेत सुमन। पंजाब टुडे में आज एक बेहद ही संवेदनशील मसला लेकर के आपके सामने आए हैं और मसला सीधे तौर पर केंद्र की सियासत और प्रदेश की सियासत से जुड़ता है। मसला जुड़ता है भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य से और पंजाब में, जिसे भारतीय जनता पार्टी अपनी बड़ी पार्टी, अपना बड़ा भाई मानती है, श्रोमणी अकाली दल, उनसे जुड़ता है ये पूरा का पूरा मसला। क्योंकि अब अमित शाह लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, संपर्क फॉर समर्थन एक अभियान उनकी तरफ से, एक मिशन पर वो हैं, लगातार अलग अलग नेताओं से, अलग अलग सुर्खियों से वो मिलते चले जा रहे हैं और ऐसे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। दरअसल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एनडीए और अपने सहयोगी दलों को एकजुट रखने के लिए बीजेपी की तरफ से अमित शाह कई सहयोगी दलों से मिलने वाले हैं। और जब वो पंजाब पहुंचेंगे तो सवाल उठेगा कि आखिर इस मुलाकात के दौरान किन किन बातों का जिक्र होगा, क्या क्या बातें निकलकर सामने आएंगी। देखिए रिपोर्ट। ।2019 में होने वाले आम चुनावों से पहले बीजेपी ने संपर्क फॉर समर्थन शुरू किया है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष न सिर्फ गैरों से समर्थन मांग रहे हैं बल्कि अपने घटक दलों से भी रिश्तों में पड़ी गिरोहों को सुलझाने और रूठों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को देखते हुए बीजेपी ने एनडीए गठबंधन के सहयोगियों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। इसी फेहरिस्त में अमित शाह का रुख पंजाब की तरफ हो गया। चंडीगढ़ में अमित शाह श्रोमणी अकाली दल के सुप्रीमो प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर बादल से भी मिलेंगे। अमित शाह खासतौर पर उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जो कहने को तो बीजेपी के साथ हैं, लेकिन रिश्तों में तलखियां आ चुकी हैं। ऐसे में बीजेपी का मकसद एनडीए गठबंधन में आई दरार को दूर करना है। बीजेपी ने 26 मई को मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने के बाद समर्थन के लिए संपर्क अभियान की शुरुआत की थी। इस दौरान पार्टी के 4000 पदाधिकारी 1 लाख लोगों से संपर्क करेंगे जो अपने क्षेत्रों में मशहूर हैं, ताकि सरकार के 4 सालों के कामकाज के बारे में जानकारी पहुंचाई जा सके। दूसरी तरफ पंजाब में बीजेपी की स्थिति को परखने के लिए 13 लोकसभा सीटों पर लगाए गए प्रभारियों को भी इस बैठक में अपना पक्ष रखने का मौका मिल सकता है। इस बैठक को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पंजाब में हुए पिछले लगभग सभी चुनाव में बीजेपी अकाली गठबंधन का प्रदर्शन ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। चाहे वो गुरदासपुर लोकसभा के उपचुनाव हो या नगर निगम चुनाव या शाहकोट विधानसभा के उपचुनाव हो, कुल मिलाकर देखें तो 2014 के बाद से बीजेपी 8 लोकसभा का उपचुनाव हार चुकी है। इसके अलावा शिमोगा और बेल्लरी में इसी साल उपचुनाव होने हैं और अगर बीजेपी यहां भी हार गई तो वो 282 सीटों से 272 सीटों पर आ जाएगी, जो एग्जैक्ट जादुई आंकड़ा है। यानी 2014 के बाद से बीजेपी का ग्राफ गिरा है। खैर, पार्टी 2019 की तैयारियों में जुटी है और पार्टी के चाणक्य संपर्क फॉर समर्थन में लगे हैं। अब अमित शाह संपर्क तो कर रहे हैं, लेकिन ये संपर्क समर्थन में तब्दील हो पाएगी, ये सबसे बड़ी बात होगी। पंजाब डेस्क, जनता टीवी। जी हाँ, तो ये कहा जाता है कि जिस तरीके से अमित शाह आगे बढ़ते हैं, उनका हर एक कदम सोची समझी एक चाल की तरह, शतरंज के एक माहिर खिलाड़ी की तरह होता है। हमारे सहयोगी बैद्यनाथ झा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सवाल आपसे सबसे पहले यही है कि संपर्क तो कर रहे हैं, समर्थन भी हासिल होता चला जा रहा है क्या? खासकर जो हमने रिपोर्ट में भी दिखाया, जिस तरह से कि 2014 के बाद किस तरह से बीजेपी का ग्राफ जो है लगातार नीचे गिर रहा है और हाल के चुनावों में देखें तो उसमें कहीं ना कहीं जो रणनीतिकार माने जाते हैं बीजेपी, जिसमें माहिर माने जाते थे, उनमें उसको उसमें झटका देखने को मिला है और अब खुद मैदान में इसलिए वो उतरे हैं। इसके साथ साथ एक कहीं ना कहीं जो रूठे अपने जो सहयोगी हैं इसके तहत उनको मनाने की भी कोशिश है, ताकि ये जो तमाम चीजें जो विपक्ष का जो एक धरा पूरे एक साथ सामने आ रहा है, उसी की वजह से लगातार बीजेपी को जो हार मिल रही है अलग अलग जगहों पर,
उसमें कोई और डैमेज ना हो सके, इसे एक डैमेज कंट्रोल की तरह भी इसको देख सकते हैं, ताकि चूंकि आज शिवसेना से मिले हैं, कल जो है पंजाब में चंडीगढ़ जा रहे हैं और वहां पर अकाली दल के साथ साथ जो एक खास टीम बनाई गई थी लोकसभा चुनाव को देखते हुए, उन अधिकारियों से भी मिलेंगे, अपनी बात कहने रखने के लिए उनको बोला जाएगा और उसमें कहीं ना कहीं अमित शाह देखेंगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। इसमें मेन कोशिश ये है कहीं ना कहीं कि जो उनके सहयोगी हैं वो जो उनमें कई तरह की नाराजगी जो है उसको परखा जाए, उसको जांचा जाए और उसमें जो आगे वाला चुनाव है उससे पहले किस हद तक उनको संतुष्ट किया जा सके, उस रणनीति के तहत कहीं ना कहीं कल वो यहाँ पर मिलने जा रहे हैं। ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि पंजाब में हालिया दिनों में चाहे वो विधानसभा के उपचुनाव हुए हों या फिर लोकसभा के उपचुनाव हुए हों, वैद्यनाथ, दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी या अकाली दल को हार का सामना करना पड़ा है। 2014 में हम ये देख रहे थे कि बीजेपी इस स्थिति में भी थी कि वो अकाली का साथ छोड़ दे और अकेले अपने दम पर चुनाव लड़े, हालांकि वो समीकरण उस समय बना नहीं, लेकिन अभी ये समीकरण नहीं बनेगा इतना तो तय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उतनी मजबूत इस वक्त पंजाब में नहीं दिख रही। देखिए निश्चित तौर पर इसको दोनों तरह से देखें तो दोनों तरफ से भी ये स्थिति कहीं ना कहीं नजर आ रही है, एक तो बीजेपी की तरफ से, क्योंकि हालिया चाहे विधानसभा चुनाव हो, उपचुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, उसमें बीजेपी को हार मिली है। वहीं अकाली के स्तर पर भी अगर बात करें, अभी फिलहाल में जो शाहकोट उपचुनाव हुआ है वो गढ़ माना जाता रहा अकालियों का और उसमें वो हार गए हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों दलों के लिए ये मजबूरी है फिलहाल, लेकिन इन सबके बीच एक कहीं ना कहीं एक जो बार बार चीजें आ रही हैं या फिर जो इनके पुरानी सहयोगी भी रहे हैं, जो दूसरे गठबंधन की बात आ रही है बीजेपी को हराने के लिए, जो अलग अलग गठबंधन बन रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं चिंता जो है वो अमित शाह को नजर आ रहा है, और इस उसको वो ना दिखे, वो ना आगे बढ़े, वो दरार आगे और ना बढ़े, इसके लिए कहीं ना कहीं कोशिश अमित शाह ने शुरू कर दी है और चुनाव से पहले ही शुरू कर दी है, ताकि तमाम जो जो दरार की वजह जो है या फिर जो भी कमियां हैं दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो पा रही है किसी वजह से, या फिर सबसे बड़ी खासियत यही है वैद्यनाथ की वो वक्त से पहले ही अपनी तैयारियों को शुरू कर देते हैं। हम आपके पास लौटते हैं थोड़ी देर में, और भी खास मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम में और जुड़ रहे हैं, उनसे भी मुखातिब होंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से इस पूरे मसले को अमित शाह आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक उनकी मुलाकात हो रही है और जिस तरीके से वो संपर्क कर रहे हैं उससे समर्थन किस तरीके से हासिल करने की कोशिश करेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी और श्रोमणी अकाली दल की तरफ से भी उनके प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मैं ये जानना चाहूँगा सर कि जिस तरीके से अमित शाह का यह दौरा, कितना महत्वपूर्ण है ये दौरा? अरविंद मित्तल जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी 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 बोलिए। कितना महत्वपूर्ण है ये अमित शाह का दौरा? अमित शाह जी ने देखिए चुनाव को एक साल से भी कम समय रह गया जी, जो लोकसभा का चुनाव है, तो उसके लिए पार्टी ने सबसे पहले अपने सहयोगी पार्टियों के साथ मिलने का कार्यक्रम शुरू किया, ताकि अगले चुनाव के लिए जो भी कमियां पिछली हैं, जो भी रणनीति है उसको तय किया जा सके, उनके साथ डिस्कस करके, उनके साथ बातचीत करके अगले जो मुद्दे हैं, जो केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस विषय में ये सारी चर्चा वो अपने सहयोगी पार्टियों से करना उन्होंने शुरू किया। इसी संबंध में वो पंजाब में कल आ रहे हैं, श्रोमणी अकाली दल के सीनियर लीडर सरदार प्रकाश सिंह जी बादल और श्रोमणी अकाली दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो उनके अध्यक्ष हैं सुरजीत बादल जी, उनके साथ उनकी मीटिंग होगी, तो संबंध में मुझे लगता है कि सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति तय कर रही हैं। उसी प्रकार अमित शाह जी ने भी अपनी तैयारी शुरू की है, पार्टी की तरफ से तैयारी शुरू की है, और एक बहुत अहम मीटिंग होगी, क्योंकि 2019 का चुनाव जो है वो बहुत अहम होगा, भारतीय जनता पार्टी 5 साल की कार्यवाही के बाद दोबारा मैदान में आएगी और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार फिर
पार्टी दोबारा चुनाव सरकार बनाए। ठीक है, मैं लौटता हूँ आपके पास। कृष्णपाल जी, सवाल आपसे ये है कि ऐसा कहा जा रहा था कि श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों में खटास भी है, उतनी दोस्ती या उतना याराना अब है नहीं, क्या इन सारी चीज़ों को ठीक करने की कवायद है ये अमित शाह की तरफ से, ताकि पंजाब में जो 13 लोकसभा सीटें हैं वहाँ पर एक मजबूती के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज कराई जाए? देखिए सुमन जी, खटास तो वाला बात पंजाब से कभी भी नहीं आई और ना ही कभी आएगी, क्योंकि पंजाब में श्रोमणी अकाली दल और भाजपा के जो रिश्ते हैं वो खाली पॉलिटिकल नहीं है, वो एक इमोशनल रिश्ते हैं। कृष्णपाल जी, 2014 में तो अलग तक होने की बातें आ रही थी कि अलग हो जाएंगे, ये कभी भी किसी दोनों पार्टियों में से कभी भी किसी नेता ने आज तक नहीं कहा, किसी भी नेता ने, ना श्रोमणी अकाली दल के ना ही भाजपा के किसी नेता ने आज तक ऐसी कोई स्टेटमेंट दी है। अच्छा, इस बार 2019 के चुनाव में बड़ा भाई कौन होगा सर? अभी भी अकाली दल बड़ा भाई है या आपको लग रहा है कि भाई है? जी, हम ना बड़े हैं ना छोटे हैं, जुड़वा भाई हैं, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, और ये ऐसी पार्टी है श्रोमणी अकाली दल जिसने कभी किसी को पीठ नहीं दिखाई। आपने देखा होगा कि बीजेपी के साथ चाहे किसी भी रिश्ते में किसी की भी खटास आई हो, लेकिन श्रोमणी अकाली दल और भाजपा में कभी भी खटास नहीं आई। और हमारे माननीय नेता सरदार प्रकाश सिंह बादल शुरू से एक बात कहते आ रहे हैं कि हमारे रिश्ते में कभी भी करवा नहीं आएगी। अरविंद मित्तल साहब, पंजाब के चुनाव के दौरान आपके शीर्ष नेतृत्व ने उतनी मौजूदगी नहीं दर्ज कराई वहां, जितनी अमूमन दूसरे प्रदेशों में जहां पर आप अकेले लड़ते हैं वहां पर शीर्ष नेतृत्व दिखाता है अपनी मौजूदगी, इसके पीछे की वजह भी जानना चाहूंगा। और साथ ही साथ जो अकाली दल का एक रिजल्ट रहा है इस विधानसभा चुनाव में, क्या उसके बाद बीजेपी ये डिमांड करेगी कि 19 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें उसको दी जाएं, वो चुनाव लड़ेगी? देखिए, ऐसा है कि हमने श्रोमणी अकाली दल के जो नेता हैं सरदार प्रकाश सिंह बादल जी, उनको हमेशा बहुत आदर और मान से देखा, क्योंकि बादल साहब बहुत सीनियर लीडर है और बहुत सुलझे हुए लीडर है। पंजाब की बागडोर भारतीय जनता पार्टी है, पिछले चुनाव में भी हमेशा उनके हाथ में लेकर रखा। एक समय में तो ये भी बात चली थी कि उनको एनडीए का चेयरमैन बनाया जाए, वो अलग बात है कि उनकी अपनी जो विधि शेड्यूल था जिस वजह से वो नहीं आ पाए। अदरवाइज जो 2014 के चुनाव में भी, 2017 के चुनाव में भी बादल साहब की कमान में ही सारा चुनाव लड़ा गया था, और 2019 के चुनाव में भी उनकी कमान में ही पंजाब में इलेक्शन लड़ा जाएगा। अभी जो आप बात कर रहे थे, आपको मैं याद करवाता हूँ 1997 में जब सरकार बनी थी तो अकाली दल की सीटें इतनी थी कि उनको अकेले सरकार बना सकते, मदनलाल खुराना जी उस समय पे प्रभारी थे, उन्होंने बादल साहब से कहा कि आपकी इतनी सीटें हैं, हमारी जरूरत नहीं, हम आपका समर्थन करेंगे, आप अपनी सरकार बनाएंगे। तो बादल साहब ने कहा कि भाजपा के बिना मेरी सरकार नहीं बनेगी, भाजपा सरकार में शामिल होगी, मेरी सीटें चाहे 7 से ऊपर है चाहे नहीं, लेकिन श्रोमणी अकाली दल और भाजपा एक साथ रहेंगे, क्योंकि ये रिश्ता। तो ये भी बता दीजिए ना अरविंद साहब, ये भी बता दीजिए कि 2017 के चुनाव में शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी उस हद तक क्यों नहीं थी? तो बादल साहब को हमने कमान दे रखी थी, सारा इलेक्शन बादल साहब की कमान में लड़ा जा रहा था, यानी हार का ठीकरा भी बादल साहब के सिर ही जाएगा ना फिर, हार का ठीकरा भी शीर्ष नेतृत्व जो था उसकी तरफ से भी केंद्र से लीडर आए थे, तो हार अगर जीत का क्रेडिट देते हैं तो हार की जिम्मेदारी भी बादल साहब की हुई। तो बादल साहब ने कब इस बात से कब इनकार किया? नहीं, बादल साहब ने ना किया हो, बीजेपी भी ये मानती है ना सर? फिर नहीं नहीं, ये मानने के, जब हम उनको सब क्रेडिट सब तरह से अपना लीडर मानते हैं तो हम उनके साथ चलते हैं, उनके पीछे चलते हैं। जरा ये सवाल मैं कृष्णपाल जी से पूछ लेता हूँ। कृष्णपाल शर्मा साहब, क्या आपको लगता है कि अगर केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का, खासतौर पर नरेंद्र मोदी जी, अगर चुनाव प्रचार के दौरान अपनी मौजूदगी और ज्यादा दिखाते तो कुछ परिणाम और हो सकता था? देखिए, जहां तक
ये चीफ नेतृत्व जो हमारा होता है उसमें फैसला करना होता है कि किसने कहाँ जाना है, कहाँ कंप्लेन करनी है। और पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं सरदार प्रकाश सिंह बादल, उनका कद खाली पंजाब में नहीं पूरे देश में उनको एक बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, और सरदार प्रकाश सिंह बादल हमारे स्टार प्रचारक पूरे देश में रहे हैं। जहां तक आप कहते हो कि भाजपा के नेतृत्व नहीं आया था या आया था या नहीं आया था, ये चुनाव के समय रणनीति बनाई जाती है किसने कहाँ जाना है किसने कहाँ नहीं जाना। तो क्या क्या इस रणनीति में फेल हो गए आप लोग? जिम्मेवारी हमारी प्रमुख जिम्मेवारी होती है। नहीं दोनों सर, इस तरह की रणनीति तो तब बनती है कृष्णपाल शर्मा जी इस तरह की रणनीति तो तब कृष्णपाल शर्मा जी एक बात बताइए, इस तरह की रणनीति तो तब बनती है जब ये लोकसभा के चुनाव हो रहे हो। अगर ये लोकसभा का चुनाव हो रहा होता तब समझ में आता कि बहुत पूरे हिंदुस्तान में घूमना है, कब किसको कहां जाना है। सर ये तो एक विधानसभा का चुनाव, एक प्रदेश का चुनाव था, इसमें तो ऐसा कुछ था ही नहीं कि नरेंद्र मोदी असम जाएंगे या बिहार जाएंगे। आप सके सुमन जी क्यों भूल रहे हैं कि पंजाब में दोनों पार्टियों ने मिलकर 10 साल लोगों की सेवा की है। आप ये क्यों भूल रहे हैं कि पहली बार हुआ था पंजाब में कि दोबारा किसी को मौका मिले। ये अकाली दल और भाजपा का गठबंधन था जिसको लोगों ने दोबारा मौका दिया था। 10 साल भाजपा और अकाली दल ने मिलकर बहुत अच्छे तरीके से सरकार चलाई है और अच्छे तरीके से लोगों की सेवा की है। इन फ्यूचर भी भाजपा और श्रोमणी अकाली दल मिलकर लोगों की सेवा करेंगे, इसमें समूह जिम्मेवारी हमारी है। और इसमें कहीं भी ये जो खटास की बातें आप करते हो, खटास की बातें तब आती है, इस तरह की बातें किसकी जिम्मेवारी है, जीत किसकी जिम्मेवारी है, हार किसकी जिम्मेवारी है, ये बातें तब पैदा होती है जब कहीं ना कहीं खटास हो। लेकिन पंजाब एक पूरे देश में कैसी उदाहरण है जहाँ कभी भी रिश्तों में करवाहट नहीं आई। ठीक है, एक आखिरी सवाल अरविंद मित्तल साहब आपसे, आखिरी सवाल अरविंद मित्तल साहब आपसे, दोनों में से कौन किसकी बैसाखी है सर? अकाली दल की जहाँ तक बात है हमेशा ये कहता आया और बीजेपी ने भी चीज को एक्सेप्ट किया। ठीक है शर्मा जी ठीक है, एक सेकंड बस वक्त नहीं है, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। आप ही का घटक दल है सर, विपक्षी नहीं है वो, बोलने दीजिए उनको भी। अरविंद मित्तल जी से जस्ट पूछ लेते हैं, मित्तल साहब कौन किसकी बैसाखी है? भाजपा के लिए तो पूरी सहयोग लेते हैं अपना भी। मित्तल साहब जी कौन किसकी बैसाखी, आप अकाली की अकाली आपकी? ये बैसाखी का सवाल नहीं है, श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है ये इसलिए नहीं है कि सत्ता में आना है, ये इसलिए है कि पंजाब में हम एक भाईचारा कायम रखना चाहते हैं, पंजाब में एक शांति का माहौल बनाना चाहते हैं, इसलिए हिंदू सिख एकता को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और इसलिए हमने बादल साहब को अपना लीडर माना है और उनके साथ मिलकर ये सारे चुनाव की प्रक्रिया चलती है, उनके पीछे उनके लीडरशिप के पीछे चल के हम ये सारा काम करते हैं। कोई बैसाखी नहीं है किसी की राजनीति में, कोई बैसाखी नहीं है। मित्तल साहब एक 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 वक्त नहीं है, मुझे बार बार कहा जा रहा है कि शो को खत्म करें, लेकिन फिर भी मैं एक जाते जाते सवाल पूछ लूंगा। आप कह रहे हैं कि ये हिंदू और सिखों के को सपोर्ट करना और आगे बढ़ाना, ये तमाम जो चीजें कह रहे हैं आप, अकाली दल के नेता हमारे इसी चैनल पर आकर के आरोप लगा चुके हैं कि 1984 के दंगे में अगर आज तक इंसाफ नहीं हुआ तो उसमें 4 साल की भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है उसकी भी जिम्मेदारी बन जाती है। वो ये कहते हैं कि सिखों को अभी भी हिंदू का ही दर्जा मिला हुआ है, अल्पसंख्यक का दर्जा, उनको एक अलग धर्म का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, जो संविधान में 25A में अभी भी मेंशन किया गया है, लेकिन अल्पसंख्यक आयोग जो है उसको अल्पसंख्यक मानता है, वो एक मसला है। जो दो गुरुद्वारों की बात सामने आती है, अभी तक सिखों को पूरी तरीके से अलॉट नहीं किया गया, ये 4 ऐसे मसले हैं जो लेकर के अकाली दल बीजेपी को कटघरे में खड़ा करता है सर। बिल्कुल नहीं, अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी पंजाब की एकता और पंजाब की अखंडता को जिंदा रखने के लिए हर तरह से। चलिए आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, एक दिन और हम इस मसले पर डिबेट करेंगे और उस दिन अरविंद मित्तल जी मैं आपको उस डिबेट में शामिल करूंगा, और जिस दिन परमिंदर पाल साहब जिन्होंने सीधे तौर पर इस तमाम आरोप लगाए थे भारतीय जनता पार्टी पर उनको भी मैं बुलाऊंगा इस डिबेट में, फिर आपसे मैं उन तमाम सवालों का जवाब लूंगा। फिलहाल आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पंजाब टुडे में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल एक और अहम मसले के साथ आपके सामने हाजिर होंगे और हो सकता है कि वो मसला सीधे तौर पर आपको कहीं ना कहीं कचोट कर रख दे, इसलिए ठीक 7 बजे कल शाम देखना मत भूलिएगा जनता टीवी की खास पेशकश पंजाब टुडे। आज के लिए इतना ही, छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी।